हेलो एंड वेलकम यूर वाचिंग वाइस टेक स्टार सर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन सो सर्कुलर मोशन क्या है मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास अलॉन्ग सर्कुलर पाथ मीन्स एक सर्कुलर पाथ पे जब एक पार्टिकल और अ पॉइंट मास मूव करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं सर्कुलर मोशन सेकंड पॉइंट इट्स डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट मींस एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस उस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है हमेशा कांस्टेंट और वो होता क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना ओ ए और यहाँ पर ओ बी और ये दोनों क्या है कॉन्स्टेंट होगा मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा ठीक है दोनों रेडियस है आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट सर्कुलर मोशन में सबसे जरूरी है वो ये है कि इट इज़ एन एक्सलरेटेड मोशन मीन्स सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सलेशन होगा ही होगा क्यों होगा तो देखिए एक्सेलेशन होता है क्या डी बी बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो देखिए जब भी कोई पार्टिकल और पॉइंट मास सर्कुलर मोशन करता है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा चेंज करता है वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड है यहाँ पर लेफ्ट में है यहाँ पर डाउनवर्ड है और यहाँ पर राइटवर्ड है तो मीन्स हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज करता है इसलिए इसमें हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है और अगर हम लोग कॉन्स्टेंट स्पीड में भी बात करें तब भी डायरेक्शन चेंज कर रहा मीन्स वेलोसिटी तो चेंज कर रहा ना क्योंकि एक वैक्टर क्वान्टिटी है और जब स्पीड भी वैरी करता है तब भी एक्सेलरेशन होता है मीन्स दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन होता ही है और जब v कांस्टेंट होता है मीन्स स्पीड हम कांस्टेंट रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जब स्पीड भी वैरी करता है तो उसे क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है मीन्स दोनों में एक्सलेशन होगा यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है तब भी क्या हो रहा है वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रहा है इतना समझ में आया आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब बात कर लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन तो जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेशन पढ़ा था उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सलेशन और ये सब काफी इजी है और सब कुछ एंगुलर हो जाता है सर्कुलर मोशन में तो चलिए देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए बी होगा द लाइन ज्वाइनिंग ए बी उसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीन्स किसी एक रेफरल पॉइंट से किसी एक रेफरल पॉइंट मीन्स इनिशियल से फाइनल पोजिशन पे जाने पर उसने कितना एंगल बनाया सेंटर पर उसे हम क्या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जनरली थीटा से डिनोट करते हैं और थीटा क्या होता है एक एंगल होता है और उसे हम लोग डिनोट उसका यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन ठीक है तो देखिए ये ए से बी गया तो एंगल कितना बनाया सेंटर पर थीटा तो थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी को इसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं और जैसे वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी और इसका यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड रेडियन पर सेकंड तो देखिए जब भी एक पार्टिकल और पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा थीटा हो गया और जो इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी और ओमेगा क्या होता है एक वेक्टर होता है और इसका हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं सो राइट हैंड थंब रूल से जिधर वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में अपने राइट right हैंड के सभी फिंगर्स को हम लोग कर करेंगे और जो थम होगा हमें क्या देगा डायरेक्शन देगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखिए ए से बी गया तो कुछ एक कर्व पार्ट की ट्रैवल किया एल मान लिया उसे और एल कितना कितने के इक्वल होगा किसी टाइम टी पर सो आर थीटा होगा थीटा और आर क्या है रेडियस सो एल इज इक्वल टू आर थीठा अब दोनों को हम लोग टाइम के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सो so, ये क्या डी एल बाई डी टी इक्वल टू आर कॉन्सेंट इसलिए बाहर आ गया डी थीटा बाई डी टी सो डी टीटा वाई डी क्या हो जाएगा ओमेगा और डी एल बाई डी क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा स्पीड होगा वेलोसिटी नहीं है ठीक है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ठीक है अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है स्पीड कॉन्स्टेंट होता है तो स्पीड कॉन्स्टेंट है और आर क्या है ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो यहां पर ओमेगा भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा मीन्स सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और ओमेगा दोनों क्या होता है कांस्टेंट होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी भी वैरी करता है इसलिए ओमेगा भी वैरी करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो चलिए एंगुलर वेलोसिटी के बाद आप देख लेते हैं एंगुलर एक्सलेशन तो जैसे एक्सलेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसी तरीके से एंगुलर एक्सलेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसे हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है और अल्फा क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मीन्स डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज टू टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है और भी क्या कर सकते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और इस बार हम लोग डी थीटा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं चेन रूल लगा देते हैं सो डी ओमेगा बाई डी थीटा इन टू डी थीटा बाई डी टी सो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा और डी ओमेगा बाई डी थीटा रह जाएगा तो ये भी होगा जैसा कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन के लिए किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब देख, देख लेते हैं इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन वेन अल्फा इज कॉन्स्टेंट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन जब कॉन्स्टेंट हो तो जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता था तो हम लोग क्या लिखते थे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर उसी तरीके से जब अल्फा कॉन्स्टेंट हो मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन एक कॉन्स्टेंट हो कॉन्स्टेंट वैल्यू दे

अब बात करते हैं जब अल्फा कांस्टेंट ना हो ठीक है मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो देखिए जब कांस्टेंट नहीं होगा तो जैसे एक्सलेशन जब कांस्टेंट नहीं होता था तो हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते थे स्पीड निकालने के लिए क्या करते थे डी एस वाई डी टी कर लेते थे और एक्सलेशन के लिए डी वी वाई डी टी कर लेते थे उसी तरीके से जब अल्फ़ा कॉन्सेंट नहीं होगा तो ओमेगा क्या होगा किसी भी पॉइंट पर डी थीटा वाई डी टी और अल्फा उस पॉइंट का क्या होगा किसी इंस्टेंट पॉइंट पर क्या होगा डी ओमेगा बाय डी टी इसे क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ठीक है अब वी इक्वल टू आर ओमेगा ये वी क्या है स्पीड है वेलोसिटी नहीं है वी यहाँ पर क्या है स्पीड है ठीक है ये जो स्पीड आपको दिख रहा है ये है सो so, अब हम लोग दोनों तरफ टाइम के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सो so, ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू र फिर से कांस्टेंट होगा डी ओमेगा बाय ठीक है सो डी वी बाय डी टी क्या हो जाएगा आर और डी ओमेगा बाय क्या हो जाएगा अल्फा मीन आर अल्फा डी वी वाई डी टी क्या हो जाएगा आर अल्फा अब अगर ये वेलोसिटी होता ना तो ये एक्सलेशन देता नेट एक्सलेशन देता बट हम लोगों ने स्पीड लिया है है ना स्पीड लिया है वनली स्पीड लिया है इसलिए ये जो हमें एक्सलेशन मिलता है वो टेंजेंशियल एक्सलेशन मिलता है ठीक है टेंजेंशियल मीन्स एटी जो मिला हमें एक्सोलेशन वो क्या हो गया एक टेंजेंशियल एक्सोलेशन हुआ और ये है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नॉट वेलोसिटी इसलिए ये नेट एक्सोलेशन नहीं है चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये सब हमें अच्छे से समझ में आए चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सो so, क्वेश्चन ये है कि एंगुलर एक्सलेशन जो है अल्फा वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और इसका रिलेशन दिया हुआ टू इंटू टी क्यू माइनस टी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है और ओमेगा हमें निकालना मीन्स एंगुलर स्पीड हमें निकालना आफ्टर टू सेकेंड मीन्स दो सेकेंड बाद ओमेगा क्या होगा जब स्टार्ट किया है वो रेस्ट से मीन्स ओमेगा नॉट क्या होगा जीरो रेडियन पर सेकेंड और ओमेगा हमें निकालना टू सेकेंड्स के बाद और अल्फ़ा दे दिया है कितना दिया टू इंटू टी क्यू माइनस टी ठीक है तो चलिए इस बार अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट है या वेरी कर रहा है तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है ठीक है तो और जब वेरी करता तो हम क्या लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी ठीक है सो so, ये डी टी इधर चल जाएगा मीनस दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे फिर सो देखिए t इक्वल टू जीरो पर ओमेगा कितना था ज़ीरो और जब t इक्वल टू टू सेकेंड हो गया तो इसका एंगुलर स्पीड हम लोगों ने कितना मान लिया ओमेगा तो चलिए अब इसे इंटीग्रेट करते हैं सो so, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओमेगा और लोअर लिमिट ज़ीरो टू ओमेगा और अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर टू इंटू टी क्यू माइनस टी डी टी लोअर लिमिट ज़ीरो और अपर लिमिट टू मीन जीरो सेकंड और ये टू सेकंड पे तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टू टी क्यू का इंटीग्रेट करेंगे टी के डी टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा टी टू दावर फोर डिवाइडेड बाई टी माइनस है तो माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू लोअर लिमिट अपर लिमिट अब इसमें रख कर देखेंगे सो ओमेगा है ओमेगा माइनस जीरो डायरेक्ट ओमेगा हम लोगों ने लिख लिया सो ओमेगा इज टू का वैल्यू रखें टू रखेंगे पहले सो टू इंटू टू का पावर फोर सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू का स्क्वायर कितना आ गया फोर डिवाइडेड बाई टू और जब जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो माइनस जीरो तो चलिए इसे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने टू से फोर कैंसिल हो गया में और, से 16, में और यहां पर टू तो एट माइनस टू कितना हो गया और माइनस जीरो करेंगे तो कितना आ गया सिक्स रेडियन पर सेकेंड ठीक है तो चलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इस पर अल्फा कॉन्स्टेंट है मीन्स कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सलेशन है और इनिशियली स्पीड आ दिया इनिशियल स्पीड दिया आपको टू मीटर पर सेकेंड एंगुलर स्पीड नहीं है ये इनिशियल स्पीड है मीन्स वी का वैल्यू टू मीटर पर सेकेंड है आफ्टर टू रेवोल्यूशन उसका स्पीड कितना होता है एट मीटर पर सेकेंड और हमें अल्फा निकालना है तो देखिए ये एक है वो सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस कितना है टू मीटर और वो किसी पॉइंट से शुरू करता है और टू रेवोल्यूशन करता है तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हमें अल्फा निकालना और अल्फा कैसा कॉन्सटेंट तो हम लोग तीनों फार्मूला जो हम लोगों ने बेसिक देखा था वो हम लोग लगा सकते हैं तो देखिए इनिशियली स्पीड कितना टू मीटर पर सेकेंड और एक रिलेशन हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था वी इज इक्वल टू आर ओमेगा सो वी इक्वल टू टू है और रेडियस कितना है टू है तो ये टू और टू डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा इनिशियल स्पीड इनिशियल एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा वन रेडियन पर सेकेंड और फाइनली वी कितना हो गया एट और सिमिलरली हम लोग लगा दिए ओमेगा सो रेडियन पर सेकंड मीन्स फाइनल एंगुलर स्पीड कितना आ गया फोर इनिशियल पता वन फाइनल पता फोर अल्फा निकालना है तो हमें ठीटा भी पता है कैसे दो रेवोल्यूशन तो एक रेवोल्यूशन लेगा तो टू पाई दूसरा रेवोल्यूशन लेगा फिर टू पाई मीन्स टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फोर पाई सो इनिशियल फाइनल और ठीटक पता तो अल्फा निकल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू थीटा अल्फा लगा लेंगे इनिशियल पर फाइनल कितना है हमारा फोर तो फोर का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियली कितना था वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस थीटा इज अल्फा यहां से ये वन इधर जाएगा माइनस हो जाएगा सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टी फिफ्टीन इज इक्वल टू एट पाई अल्फा यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा फिफ्टीन बाई एट पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर सो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया सर्कुलर मोशन के बेसिक्स क्वेश्चन को और बेसिक रिलेशन को और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आज का क्या रहा कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और इसी तरीके से ओमेगा इज इक्वल टू वी वाई आर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ सर्कुलर मोशन मीस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग